नानक कल विच आया रब फकीर इको पहचाना तरत आकाश चहूं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इस वक्त असी खलोते हैगे हाँ गुरुद्वारा नानकपुरी टांडा साहब विच। यह वो जगह हैगी जिथे गुरु नानक देव जी अज तो 500 साल पहले आए सीगे। इस गुरुद्वारे का, इस गुरुद्वारे के अलावा एक होर भी इतिहास हैगा जिहड़ा कि हुण बनिया कुछ सालों पहले। वो हैगा कि यह गुरुद्वारा अद्धा जिहड़ा हैगा वो यूपी च आंदा हैगा यानी उत्तर प्रदेश। ते मेरे पिछे जिहड़ी टंकी नज़र आ रही हैगी यह हैगी उत्तराखंड। सो जिस वक्त बाबा जी पहले आए थे उस वक्त यह स्टेट्स नहीं होंदिया सीगियां। उस वक्त इस जगह का नाम सीगा रोहेलखंड। सो रोहेलखंड एक वड्डा एरिया होंदा सीगा। उस बाद लोगों ने अपने आप लकीरां खींच दित्तियां तो यूपी बन गया, तो उत्तराखंड बन गया। इत्थे दे चार होर इतिहासिक गुरुद्वारों के दर्शन करन तो बाद असी नानक पता जावांगे। हुण चलने असी गुरुद्वारा साहब विच अंदर ते दर्शन करने आ ते नाल इत्थे दे ज्ञानी जी तो इत्थे दा इतिहास जानने की कोशिश करने आ। गगन में थाल रब चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती धूप मल आण लो पवन जब रोकर सगल बन राय फुलंत ज्योति कैसी आरती होए पाव खंडना तेरी आरती संबत 1554 नूं गुरु नानक साहब जी दुखी लोगों की पुकार सुन के इस इलाके विच पहुँचे, क्योंकि ये इलाका जिहड़ा सी रोहेले पठाणा का इलाका सी ते रोहेलखंड के नाम ना जाने जाता सी। इस इलाके विच गुलाम प्रथा जिहड़ी सी बहुत जोरां दे नाल चल रही सी। तो गुरु नानक साहब जी इस इलाके विच पहुँच के भाई बाला जी और भाई मरदाना जी नू अपने तो कुछ समय नहीं अलग कर दिता। उस तो बाद आप एक 12 साल के बालक का रूप बना के एक रोड़ी के ढेर से बैठ गए। रोहिला पठान घूमदा घुमाउंदा आया और गुरु नानक साहब जी नू पकड़ के अपने घर लै गया। जाके मंडी विच खड़े करके दो घोड़िया के मुल के बराबर साहब श्री गुरु नानक देव जी नू वेच दिता। जिस व्यापारी पठान ने खरीदया सी उन्हें एक गुलाम खरीदया सी, उन्हें अपने घर विच कार दसी कि हे बालक तू मेरा गुलाम है, अज तो बाद साडे घर दे विच जिन्ना भी पानी का प्रबंध है वह तू करना है। गुरु नानक साहब जी नू घड़ा दे के सामने आप पिछे खूह देख रहे हो, उस खूह ते भेजिया। गुरु नानक साहब जी खूह ते आए, उन्होंने ख्वाजा खिजर नू हुक्म करके खारे नदियां नालियां अते खूहां दा पानी सुखा दिता, खाली घड़ा लैके वापस चले गए। पठान नहीं समझे अते उस पठान ने गुरु साहब जी नू रहा कर दिता। उस तो बाद फिर अजे गुरु नानक साहब जी का मिशन जिहड़ा सी पूरा नहीं होया। फिर गुरु नानक साहब जी इत्थे विचरदे रहे, दोबारा फिर पठाना ने पकड़ के फिर मंडी विच खड़े करके गुरु नानक साहब जी नू वेचिया गया। हुण जिस पठान ने खरीदया सी वह अपने घर विच जाके कार दसदा है कि भाई अज तो बाद तू मेरे भेडू बकरियां चुगाया करोगे। गुरु नानक साहब जी ने कहा मैं जिस भेड़ नू छड़ी लगावांगा वह भेड़ मर जाएगी। गुरु नानक साहब जी नू उस पठान ने कह के कि भेड़ नू छड़ी लाओ, जिस तरह भेड़ नू छड़ी लाई भेड़ मर गई, दोबारा छड़ी लाउण ते भेड़ फिर जिंदा हो गई। वह पठान नहीं समझिया, कहिंदा मेरे घर विच होर काम है, चलो मैं तुहानू दूसरा काम दसदा हाँ। हुण वह लै गया अपने बाग विच, कहण लगा गुरु साहब जी नू कि हे बालक तू मेरा गुलाम है, मेरे बागां दी रखवाली करेगा। जिस बाग विच गुरु साहब जी ने पैर रखे वह बाग उमला गया, बाहर आउण ते हरिया हो गया। ये पठान भी नहीं समझिया, इन्हें भी अपने वालों गुरु साहब जी ने रिहा कर दिता। हुण तीसरी बार फिर गुरु नानक साहब जी ने रोहिले पठाना ने मंडी विच खड़े करके वेच दिता। जिस पठान ने हुण खरीदया वो अपने घर विच कहिंदा कि अज तो बाद मेरे घर विच जिन्ना भी आटे का प्रबंध है, पुरातन समय दे विच हत्थां नाल चक्की पीस के आटा तैयार किया जाता सी, हे बालक मेरे घर विच सारा प्रबंध अज तो बाद तुसीं करोगे। गुरु नानक साहब जी सारा दिन चक्की पीसी, शाम नूं जदों मुगलाणी रौला पाउण लगी क्योंकि आटा एक बुक तो वधिया ना, तो कुछ दिनों तो इलाके विच पहलों भी चर्चा चलती सी, सारे लोग इकट्ठे होए। उन्होंने आ के कहा गुरु नानक साहब जी के चरणों ते दानी लोग बजुर्ग लोग डिगे, कहिंदे तुसी कोई आम इंसान नहीं हो सकते, तुसी रब का सुनेहा देने वाले कोई पैगंबर हो,
ढह के गुरु नानक साहब जी के चरणों से पै के उन्होंने कहा साड़ी भुल माफ की जाए, सानू दसो साढ़े तो कि गलती हुई है। तो गुरु नानक साहब जी ने उन्हों समझाया कि भाई तुम इंसानों मंडिया के खड़े करके पशुआ वाग वेचते खरीदते हो, इस तो व्डा होर कि कुकर्म हो सकता है। सो गुरु नानक साहब जी ने इस अस्थाना ते पहुँच के इस इलाके पहुँच के खुद बाजार दे विच आप दो घोड़ियां दे मुल दे विच बराबर वेख के ते जिहड़ी गुलाम प्रथा इस इलाके विच बहुत जोरां नाल चलदी सी, इस गुलाम प्रथा नूं खत्म करवाया। जैसा तू करे तैसा को होए, तुझ बिन दूजा नाही कोए। जैसा तू करे तैसा को होए, तुझ बिन दूजा नाही कोए। जही तू मत दे तेही को पावे, दुध आपे भावे तिवे आप चलावे, दुध आपे भावे। इस गुरुद्वारे का इतिहास तुसी हुण श्रवण किया, जे असी इस नूं वन लाइन च अगर दसना चाहिए गुलामी की प्रथा किस तरह कायम हैगी, एक हरारकी चली आ रही हैगी, उत्ते वाला थले वाले नूं दबांदा हैगा, ए की हैगा, ए गुलामी की प्रथा ही हैगी। जे इंसान 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 समझना शुरू कर दे ते गुलामी की प्रथा अपने आप ही बंद हो जाएगी। हुण चलने आं असीं बाकी दे चार गुरुद्वारे वेखण वास्ते, उत्थे जाके तुहानूं उत्थे दा इतिहास दसांगे। इस वक्त असी हैगे हाँ गुरद्वारा नानक घाट जिहड़ा कि टांडा विखे हैगा। गुरद्वारा नानकपुरी तो यह जगह बहुत नेड़े हैगी, लैस दैन 1 किलोमीटर। तो इस गुरुद्वारे का इतिहास जिहड़ा हैगा आओ ज्ञानी जी तो समझने हैगे हाँ। जाहर पीर बख्श देवी मेरे, बख्श देवी मेरे, बख्श देवी मेरे, तू गुना बना छड़ी न कदे मेरी बाबा नानका, छड़ी न कदे मेरी बाबा नानका। सतगुरु नानक धन गुरु नानक, सतगुरु नानक गुरुद्वारा गुरु का बाग टांडा, उहदे विच ओ बाग हैगा जिथे गुरु नानक देव जी नूं जिस वक्त 500 साल पहले वो आए सीगे ते पठान ने उहनां नूं अपने कोल रखिया सीगा। तू ही दुनिया वाली खेड रचाई, तू ही दुनिया वाली खेड रचाई, हर डुबदी बेड़ी तू पार लंघाई, पार लंघाई। सवली रख मेरे तेरी, सवली रख मेरे ते, सवली रख मेरे ते निगा बाबा नानका, छड़ी ना कदे मेरी बाबा नानका, छड़ी ना कदे मेरी बाबा नानका। Thank you.
ਦਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਬਾਬਾ ਵਸਦਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਬਾਬਾ ਚਰਣਾ ਚ ਰੱਖੀ ਸਦਾ ਇਹੋ ਫਰਿਆਦ ਬਾਬਾ ਇਹੋ ਫਰਿਆਦ ਬਾਬਾ ਸਰਬਤ ਦਾ ਮੰਗਣਾ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਏ ਤੂੰ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਏ तू ही दिस दूए हर थां बाबा नानका छड़ी ना कदे मेरी बां गुरुद्वारा नानकपुरी है जेड़ा मेन गुरुद्वारा हैगा उत्थे ज्यादा लोग जाते हैं। इस वक्त शाम के 6:15 बज चुके हैं तो असं इतों नानक पत्ता साहब जाना है तो अगे तक गुरुद्वारे तुहानू फिर मिलेंगे तो उत्थे दा इतिहास दसांगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतह। सच दा दिखावी मैनू सच दा दिखावी सच दा दिखावी मैनू रा बाबा नानका छड़ी ना कदे मेरी बां बाबा नानका छड़ी ना कदे मेरी बां बाबा नानका।